रियासत की खैर। अब ये चूल्हा बंद कर दो अजमत, सारा कमरा गर्म हो गया है, अब तो मेरे कानों से भी धुआं निकलने लगा है। भाई बस पलकों की सुइयां रह गई, हरे कामयाबी की देवी दांत चमकाती हुई कदम बढ़ा रही है। सोना बनोगे बोलो? ओए ओए, ये कामयाबी की देवी नहीं, कोई चुड़ैल है कमबख्त तुम्हारी, सोना बनाएंगे। ओहो नफीसा बेगम, ये जो है नुस्खा मुझे एक ऐसे शख्स ने दिया है जो बड़ा दरवेश सिफत आदमी था, दुनिया से उसको कोई लगाव नहीं था। उसने कहा है कि ये सोना बस फूटा चला गया। पागल दीवाने बेवकूफ। तीन वे पर ये तीनों हैं कौन? उल्टी सीधी बकवास करके अपने आप को फिलोसफर, इंटेलेक्चुअल और दानिशवर समझते हैं। मुझे समझ नहीं आती इनकी इस बकवास की तस्दीक कौन करता है। किसकी बात कर रही हो तुम? सुनो, फरमाते हैं औरत बजाते खुद एक फितना है, और अगर पढ़ लिख जाए तो सख्त तरीन फितना। कौन सा आ रहा है ये? जनाब सुकरात। हाँ अपने जमाने की बात करते होंगे, आज के दौर में होते ना तो ऐसा कभी ना कहते। इनकी भी सुनो, फरमाते हैं कि बेहतरीन झूठ वो है जिसमें कुछ सच भी शामिल हो। ये कौन साहब है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हाय हाय, ये जो चूल्हा तुमने गरम कर दिया ना, इससे हम जाने वाले हैं। बिजली बॉटरी में गर्मी तो होती है, और हमने तुम्हारे कभी अखबार पढ़ने पे इतराज किया? हालांकि ये बात समझ में नहीं आती कि सुबह का अखबार जो है वो रात को क्यों पढ़ा जाता है। इसलिए कि सुबह का अखबार रात को ही खरीदा जाता है, और अखबार वाला आधी कीमत पर दे कर जाता है अखबार। तुम ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? दिखाओ ये लिपस्टिक की लाइनिंग, ठीक करो ये शेड, इस तरह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेकअप क्यों कर रही हो तुम? पागल प्रैक्टिस कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, और वैसे भी आज के दौर में इससे अच्छा प्रोफेशनल तो कोई है ही नहीं। ये तो है, ब्यूटिशियन से टाइम लेकर शादी की डेट रखी जाती है। अच्छा लेकिन ये तो अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में जाकर तैयार हो, और वहीं पे सोया करो। क्यों हर वक्त मेरे कमरे में घुसी जाती हो? लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़ेगा। वो किस लिए? मुझे डर लगता है, तुम्हें पता तो है। एक तो ये बहुत मुसीबत है। अच्छा बाबा सो जाए करो। खुदा की मार, मेरी तो पसलियां तोड़ दी तूने। इधर क्या कर रही है नैना बेटा? दादी माँ आप हैं। तो इधर स्टोर में क्या करने आ गई? दादी माँ इस स्टोर में ड्राइंग रूम है। अच्छा, मैं कमबख्त अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, और मैं भी मोमबत्तियां लेने जा रही थी। दादी माँ मुझे तो खुद इतना डर लग रहा है, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, और मेरी बात सुने, चश्मा लगा ले, किसी और चीज के साथ ना टकरा जाइएगा। चश्मा लगाना, लगता है हमारे घर की लाइट कट गई है। क्या बिल जमा नहीं करवाया था? शुक्र है आपकी लाइट। मम्मी लाइट नहीं गई थी, किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। किसने? मैंने। आपने? हाँ, वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? तुम लोगों के सोने का नाम नहीं ले रहे, हर कमरे में बत्तियां जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, बिजली का बिल जानते हो कितना आएगा? तुम्हारे अबू इज्जत बचाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ मारे फिर रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हें सोचना चाहिए। देखो नबील, तुम जवान हो, तुम्हें चाहिए कि अपने डैडी का हाथ बटाओ। लेकिन तुम तो इस घर में नसीहतों के सिवा कुछ है या नहीं? जब देखो नई नसीहत नसीहत। कहाँ लगा दूँ? यहाँ लगा दो। देख भी रही है कि लाइट आ गई है, फिर कह रही है मोमबत्ती कहाँ लगाऊं, बुझा इसे। इसी तरह किसी दिन तुम्हें भी बुझाऊंगा। आओ मेरा क्या सारा फॉर्मूला का सत्यानाश हो गया, सोना बनते बनते मिट्टी हो गया। इसे कहते हैं
सोना मिट्टी हो लो। और हेलो, हाँ नबील यार, तुम्हें याद कर रहा था यार। यार तुमने तो रात को फोन करने का वादा किया था। यार हमारा फोन तो वन वे हो गया यार, वन साइड हो गया। तो मोबाइल कहाँ गया? वो तुम्हें पता तो है, चोरी हो गया। झूठ बोलने में तो तुम उस्ताद हो ना, कहो क्या कर रहे हो इस वक्त? बस यार तुम्हें याद कर रहा था। फिर झूठ? यकीन करो यार, कहाँ इस वक्त? देखो यार, इस वक्त मैं घर से निकलता हूँ, शाम 4 बजे मुलाकात होगी। ठीक है यार, ठीक है, मैं 4 बजे पहुँच जाऊँगा। ओके, खुदा हाफिज़। स्टेनोटाइपिस्ट की जरूरत है, तनख्वाह 6,000। नीना तुझे शॉर्ट हेड आती है? नहीं, मुझे लॉन्ग हेड आती है। ज़ूम करके हाथ बढ़ा और छीन लो। ये देख नीना, माय गॉड, थोड़ी सी मेहनत करके लाखों रुपए कमाइए। एक बड़ी प्रोडक्शन फर्म को अपनी मसनूआत की पब्लिसिटी और प्रमोट के लिए सेल्स गर्ल दरकार है। नीना मेरा ख्याल है ये जगह ठीक रहेगी। अम्मी अब इजाजत देंगे? वक्त बदल चुका है नीना, अब्बू को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हमने सारी जिंदगी उनकी दौलत पर ऐश की है, अब हमें भी चाहिए कि मेहनत करके पुराने दिन वापस लाएं। तो फिर ये कि एड्रेस नोट करो, मेरा ख्याल है हमें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा ऐसा करो, ये इश्तिहार काट लो, मैं कैंची लेके आती हूँ। हाँ। हाँ भी जबर पीटर, रात किस वक्त आए थे? रात बहुत देर हो गई थी अब्बू, कुछ पुराने क्लाइंट्स के पास रकमें फंसी हुई हैं, और आप तो जानते हैं जब कारोबार खत्म हो जाते हैं तो कौन कर्ज वापस करता है। सब ने आंखें फेर ली हैं अब्बू। ओ बेटा, जमाना ही कुछ ऐसा आ गया, कदरें खत्म होती जा रही है, हर आदमी बस पैसे का हुक्कर रह गया। अब्बू आप तो फोन पर भी ताले लगा दिए। मैं समझा नहीं किसने ताले लगा दिए। अम्मी ने, फोन आ सकता है जा नहीं सकता। और अब्बू अब तो घर का मेन स्विच भी ऑफ कर दिया जाता है, मुझे तो लगता है हमारे घर में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मैं जा रही हूँ निशा के पास। ओ, 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 सब कुछ बर्बाद हो गया, फार्मूला तबाह हो गया, वरना मुझे उम्मीद थी कि सोना बन जाएगा। अब्बू आपसे कितनी मरतबा कहा है कि आप ये सोना वोना बनाने के चक्कर में ना पड़ा करें। सोना भी कभी बना है, ये सिर्फ किस्से कहानियों की बातें हैं। फिर अब्बू मैं हूं ना आपका सोना, मेरे होते हुए तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। हाँ बेटा, तुम सोना तो हो मगर सोते बहुत हो। चलो औलाद सोना ही होती है। हाँ, हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठा जा सकता ना, घर के हर फर्द को काम करना चाहिए। अब वो जमाने गए जब एक कमाता था 10 खाते थे, एक ही बैल कब तक कोलू में जुता रहेगा। और खास तौर पर नबील को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्यों बेटा? हाँ अबू, नबील को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, पर ये बात इसे मैं तो नहीं कह सकता ना, इसे खुद एहसास होना चाहिए। शबीर, ये जगह के बारे में जानते हो जहाँ हम घूम रहे हैं? हाँ, अब तुम कहोगे कि यहाँ मैं लेडी डियाना के साथ बैठकर आइसक्रीम खाया करता था। अबे लेडी डियाना, वो तो लेडी डियाना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अरे भाई नबील, मुझे जादू दो। अरे तुम जाओ, तुम जाओ, तुम यार जाओ ना यार, जाओ मैं कराई जा रहा। नहीं जाओ, एक प्रॉब्लम है यार। हाँ तो मैं कह रहा था वक्त ने हम दोनों को जुदा कर दिया। हाँ, अब उसके बच्चे तुम्हें मामू कहते होंगे। हाँ बहुत दूर, शायद बहुत दूर उफक पर। वो लड़की कहाँ? वो लंबे बालों वाली। चलो शबीर उसके पास चले यार। भाई मुझे जूते खाने का कोई शौक नहीं है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा वहां बैठ के इंतजार करता हूँ। तुम तो हो ही बोझदल, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो उसका दिल भी तो जूते ही खा के आओगे बेटा, जाओ। देख लेना आप, मैं जा रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। 2 मिनट?
आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दो मिनट में तो इंसान एक गिलास पानी नहीं पी सकता। दो मिनट लेने आए, जाओ जाओ जाओ, ठहरो। अगर आधा घंटा लेना तो बैठ जाओ। आप कम कर रहे हैं जिंदगी के साथ। अरे क्या बात है, अपनी तबीयत के लगे। हाँ फरमाइए। हाँ मैं समझ गया समझ गया। जब ये तुम्हें पलट पलट के देख रही थी ना, उस वक्त मैं भी देख रहा था। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई बात दरअसल ये है कि इसके साथ जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ है कि ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। अब इसे नहीं पता कि दुनिया क्या है, इसलिए आई एम सॉरी, इसको पता नहीं था इसलिए ये मुस्कुरा रही थी। एक्सक्यूज मी पापा, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आप कुछ ज़हनी तवाज़ुन के बारे में कह रहे हैं। हाँ ज़हनी तवाज़ुन के बारे में बोलो। ज़हनी तवाज़ुन? हाँ उसका तो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कोई हादसा ना हो जाए, तुम ऐसा करो एक मिनट ठहरो, मैं अभी दो तीन घंटे तक आता हूँ। ओके यहीं बैठे रहो। अच्छा फरमाइए। सब गम दूर, सब दर्द दूर, बताओ बच्चा हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? साईं गेंडा साहब, बड़ा कारोबार था, बड़ी लहरें बहरे थी, बड़े पैसे थे, बड़ी शान थी, लेकिन सारा कुछ तबाह हो गया। अब कुछ नहीं रहा, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। साईं गेंडा साहब कोई तरकीब बताएं। बाबा कंगन शाह का नाम सुन रखा है कि नहीं? कंगन शाह? ये क्या चूड़ियां बेचते हैं? कौन कंगन शाह? कुर्बान जाऊं कंगन शाह पे, डाडा रैनसन का नाम सुना है? मगर साईं कंगन शाह रहता कहाँ है? ये हम तुम्हें बताते हैं बच्चा। ओहो क्यों अपनी जान के पीछे पड़ गए हो अजमत? सर्दी लग गई तो ठिठर के मर जाओगे। 9 दिन हो गए हैं। ओहो क्या आफत सर पे पाल ली है तुमने, हैं? अरे मैं कहती हूँ, अरे जहन्नुम में जाए तुम्हारी। खुदा तुम्हें अकल दे, खुदा तुम्हें नेकी दे, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब फिर से 40 दिन चिल्ला करना पड़ेगा, तो मुझे चैन नहीं लेने दोगी। पहले सोना बन रहा था, अब चिल्ला कशी हो रही है। अरे कुछ अकल का काम कर लो। सबसे बड़ी बेवकूफी मैंने तुम्हारे साथ शादी करके की, और तुम मुझे कुछ करने दोगी के नहीं? ये वजीफा बताया है बहुत बड़े बुजुर्ग ने, कंगन शाह ने। उसने कहा कि यूं मौकल काबू में आएगा, यूं यूं। हाँ यूं आएंगे यूं। अरे मौकल इतने बेवकूफ नहीं होते। हाँ हाँ बोलो बोलो आगे बोलो। अब मैं क्या बोलूं, उठो यहाँ से वरना मैं मारती हूँ मटकी को। मैं क्या करूं? अरे हाय मैं क्या करूं क्या करूं? अगर इतना ही चिल्ला करने का शौक है ना, तो कल से अपने कमरे में बैठ कर चिल्ला करो, समझे? यहाँ सर्दी लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। चलो अंदर। चलता हूँ, ठहरो, आलाते चिल्ला कशी तो ले जाऊं साथ। चलो ये अपना सामान भी ले आना। उठाओ ना तुम भी मेरे साथ, क्या मुसीबत में मत। Thank you.
बैज नंबर 108 तुम्हें हुक्म देता है वरना अपनी सजा आप मार दिए जाओगे। मार दिया जाऊंगा? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, निकाल इधर, तुम्हारा तो खून सफेद हो गया। नहीं, 17 को मैं ब्लड टेस्ट कराया था। अच्छा, हेमोग्लोबिन नॉर्मल थी। हाँ, तो तुम कौन हो? मैं जमशेद, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो भैया? करण के साथ मजाक करता है? मजाक कौन कर रहा है मजाक? देखो मैं तुम्हें याद कराता हूँ, इधर आओ। देखो जब हम दोनों छोटे थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे, शाबाश जोर से, जब हम छोटे बच्चे थे, तुम पुलिस में ही हो ना? देखो मैं तुम्हें याद कराता हूँ, जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम बड़ी शरारतें करते थे, मैं जहाज बनता था और तुम पायलट बनते थे। तुम जहाज बनते थे और मैं पायलट बनता था? हाँ, मैं जहाज बनता था और तुम पायलट बनते थे। याद करो, याद करो, शाबाश। और तुम कोई बात नहीं है, ऐसी बात है, तुम्हें देख देख के हंसते थे, हंस के दिखाओ जोर से। चुप है, इतनी बदबू आ रही है, धोता भी नहीं है मुंह। अब सुन, देख मैं तो याद कर पा, जब हम छोटे थे ना तुम्हें जहाज बनता था, तुम पायलट बनते थे, मैं देख देख के हंसते थे, मैं ऐसे जहाज बनता था। अच्छा, ऐसे बनते थे? ऐसे बनता था। अच्छा, और मैं गर्दन नीचे करता था ऐसे, ठीक है ना? हाँ। लेकिन तुम्हारी गर्दन ऊपर होती थी ऐसे और ऊपर। हाँ शाबाश, और तुम हंसते रहते थे, तुम उधर मुंह करके हंसते थे, तुम्हारा मुंह बिल्कुल उधर होता था, तुम हंसते रहते थे, तुम हंसो, तुम्हें रोना है, तुम हंसो जोर जोर।